आ रहे हैं टाइमो शान कंट्री पार्क हाइकिंग पे। आज सिर्फ जीए जी और मैं आए हैं, बाकी सब तो काम पे गए। आज हम दोनों घर पे थे तो हमने कहा हाइकिंग करके आते हैं। आज मौसम भी अच्छा हो रहा था और काफी टाइम से हाइकिंग भी नहीं गए थे। मौसम अच्छा है बट गर्मी वैसे ही हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है। अभी 1:30 बज गया, घर से थोड़ा आगे आए हम जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं कहाँ है, गूगल मैप के भरोसे आगे आगे अपडेट देते रहेंगे जैसे जैसे पहुँचते रहेंगे। साथ में छाता भी लाया इनकेस बारिश हो जाए, क्योंकि आज हमने वेदर चेक किया तो बारिश दिखा तो रहा है। यार ऐसा लग रहा है हम गांव की पगडंडियों में चल रहे हैं, इसीलिए हमें जब भी गांव की याद आती है हम इधर घर के पीछे जंगलों में घूम के आते हैं। हाँ पूरा फील आती है, पूरे गांव वाले ट्रांसफार्म लगे हैं यहाँ पे। चलो किसका कुत्ता है भाई, गांव के कुत्ते भी आ गए हैं। छन लग रही छानी है, लच्छू छानी छानी। हाँ हालत खराब हो गई हमारी, ये सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। वहाँ नीचे से देखो, वहाँ से आए हम पैदल, वहाँ जो बिल्डिंग दिख रही है अभी यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा थोड़ा आगे दिखाते हैं। फाइनली ऊपर रोड पे आ गए, यहाँ दिख रही है नहर, सिंचाई वाली नहर। अरे यार साफ हो गई है नहाने लायक लग तो रही है नहाने लायक। यहाँ नीचे से आए हम, चलो देखते हैं आगे लच्छू कितना आगे जा पाता है। इसकी हिम्मत देखते हैं लच्छू की आज। हाँ हालत खराब हो गई पता नहीं क्यों, बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो गाइस ये है व्यू, और हम नीचे जहाँ आपको रोड दिख रही है वहां से पैदल पैदल जंगलों के बीच से यहाँ पहुंचे हैं। ये नीना टावर जब भी चुनान जाते हैं उधर से दिखता है, चुनान वेस्ट। हाँ फिर इधर कहीं चुनान है और वो आई थिंक लाइकिंग, वो लाइकिंग की बिल्डिंग। हाँ वो लाइकिंग एरिया, वो टॉप पे जो पहाड़ पे है। फिर ये आ गया हमारा वाला एरिया जिधर हमारा घर है, इधर कहीं इधर इस साइड सॉरी ये लाश क्वाइचुंग इधर है, वो सब बिल्डिंग दिख रही है। आगे ऊपर आ गया अब तो। टफ हाइक थी एकदम खड़ी चढ़ाई अभी तक। यहाँ देखो अभी तो हाफ भी पूरी मेरी टी शर्ट कलर ही है, पसीने से पूरी भर गई है, पूरा पीछे गीला हो गया है देखो। और अभी तो पहाड़ कहीं दूर दिख रहा है अभी जहाँ जाना है। रास्ता बिल्कुल भी क्लियर नहीं है हमको, बट लोगों ने इधर रास्ता बना रखा। हाँ यहाँ पर लोगों ने जगह जगह लोगों ने यहाँ पे रस्सी बांधी हुई है छोटी छोटी सी, कोई रास्ता खो ना जाए। हाँ ये देखिए जगह जगह बांधी है तो हमें रास्ता पता चलते जा रहा है कि हम सही जा रहे हैं, तो इसीलिए टेंशन नहीं है। बस घना जंगल है, बहुत घना जंगल है, कीड़ा मकोड़े ना आ जाए, नीचे कोई घास घूस है वो डर है, बाकी मुझे तो सिर्फ सांप का डर है और तो कुछ नहीं। और में कीड़े क्या ही करेंगे, अकेला। तो गाइस अभी थोड़ा हमको अच्छा रास्ता मिला है। हाँ बड़ी काफी टाइम बाद इतने घने में जा रहे हैं जैसे नीचे दिख रहा है ऐसे में। हाँ ऐसे घने से हम आए हैं। हाँ गूगल मैप ने हमें पहुंचा ही दिया पहुंचा ही दिया कैसे भी करके।
वो तो अच्छा हुआ, हमें डर था मेन ये सांप सूप के, इतनी घुटने से ऊपर तक की छाती थी। मेन डर वही था कि सांप ना काट ले। बाकी तो यहाँ के जंगल काफी सेफ है, सुअर मिलता है ज्यादा, जंगली सुअर। हाँ जंगली सुअर मिल जाता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। उससे भी लोग इतना डरते नहीं है यहाँ पे। जंगली सुअर मुझे मिला एक दो बार लेकिन मैंने देखा यहाँ के लोग पता नहीं डरते क्यों नहीं जंगली सुअर से, जबकि उसने एक दो बार अटैक भी किया लोगों को। एक पुलिस वाला गया था, उसका पैर काट दिया सुअर ने, फिर भी लोग डरते नहीं। बच्चे बच्चे उसके पास भी जा रहे होते देखने, पता नहीं या फिर उनको नॉलेज नहीं है कि क्या नहीं है, समझ नहीं आता। हम तो डरते हैं भाई। काफी काफी रिलैक्स महसूस हो रहा है बहुत टाइम बाद। कम से कम हम आधा घंटा खड़ी चढ़ाई और पूरा प्रॉपर जंगल जहाँ पे रास्ता कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमें कहीं फंसने जाए, यहाँ कहीं इमरजेंसी बटन दबाना पड़ेगा। वैसे एक चीज अच्छी है कि जो भी हाइक है हांगकांग में, उन्होंने रास्ते रखे हैं। इस रास्ते भी तो अभी नहीं दिखी, लेकिन उन्होंने रास्ते में इमरजेंसी बटन दिया रहता है, इनकेस कहीं फंस गए तो इमरजेंसी कॉल कर दो वहाँ से। गदरे आते हुए बहुत मस्त आवाज आ रही है गदरे की। इससे अच्छा पानी है, वाओ ये मस्त है, मैं नहा सकते हैं। ये काफी अच्छा गदेरा है, अच्छा गदेरा है। अब आया हाइकिंग का रास्ता लिखा हुआ, ये देखिए चोंग लोंग लोंग मोन कंट्री ट्रेल। अरे मकड़े हैं वहाँ पे, बड़ी सी डिस्टेंस पोस्ट। हमारा टॉप ब्रिज, ये लगा चल गया, क्या मत करा बे, भगवान ने डेकोरेशन करके दिया, नेचुरल डेकोरेशन। समदौला का दुई दिन समलौड़ा होएगी नी, समदनी तुम्हारा हाथों की रसान था क्या बुन, समदौला का दुई दिन समलौड़ा। गाइस हम मेन रास्ते से नहीं आए, पता नहीं कहां से आ रहे हैं, हम इस रास्ते से आ रहे हैं यहां पे। दोबारा किस्मत खराब हुई, ऐसे झाड़ी वाला मिला। वो सिटी अभी यहीं पे दिख रही है, पास में ही सिटी बगल में दिख रही है, और इतना चल के आ गया। बट ये रिबन बहुत हेल्प कर रही है जो लगे हुए, देखो हाँ यहाँ पे लगा है रिबन, ये लगा है, ये रास्ता बता रहा है कि सही है, कि सही रास्ते पे हम खोएंगे नहीं। फिर पता है किसने बांधा है यार। तो गाइस ये पूरी खड़ी चढ़ाई है, ऊपर जाना और हमें चढ़ना है इस पहाड़ पे। पता है कितने नीचे से चढ़ते आ रहे हैं हम, और काफी नीचे से हम चढ़ते आए हैं। शायद हम सिटी हो रही राइट, शायद हमें आपको दिखा सके बाद में सिटी दिख रही है हम कहाँ से आ रहे हैं। हाँ देखो देखो हर किसी आपको सिटी दिख रही होगी, और यहाँ पे रिजर्वायर दिख रहा है, छोटा डैम जो घर के पीछे जंगल से होते हुए आ रहे हैं, शायद से ऊपर से अच्छा व्यू आए। चलो आपको ऊपर से दिखाते हैं फिर। ये डैम बुरी हालत हो चुकी है, अभी भी देखते हैं, अभी भी काफी ये पहाड़ के पीछे आई थिंक आधा घंटा और है अभी चलने के लिए। ये जो पहाड़ है ना इसके पीछे जाना है, पीछे वाला बड़ा पहाड़ है वहां तक पहुंचना है। वहां पे वो है कुछ बड़ा सा टावर है, पता नहीं किस चीज का, कुछ खाने को मिल जाए यार बहुत। नहीं वहां पे शॉप है, वहां मिल जाएगा। हम सोचते हैं हांगकांग कितना छोटा है, यहाँ से देखो ये तो एक साइड है, फिर भी यहाँ पूरे जंगल में हम दोनों अकेले दिख रहे हैं। सैटरडे संडे होता तो शायद और लोग भी हाइकिंग कर रहे होते, और जो बोलते हैं ना कि इतना 70% के 75% फॉरेस्ट के लिए रिजर्व है। ये राव देखो सब, ये फॉरेस्ट पूरा पूरा रिजर्व है, लेफ्ट राइट देखो, वो वहाँ झरना भी दिख रहा है। हाँ देखा आपने, हाँ पता नहीं कैमरे पर आएगा नहीं आएगा, बट हमने गड़ाली गाने लगा के मजा आ रहा, आगे पता नहीं कहाँ जाना है, पता नहीं चल रहा। कोई पता नहीं हम कहाँ पर हैं,
बस थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी है यार, एक सेब बचा हमारे पास सब खत्म हो चुका है हमारे पास अब तो बियर कैसे सीखना पड़ेगा, कैसे रहे इस भीड़ में। मैं तो नंगे पांव चल रहा हूँ, हम नॉर्मल रनिंग शूज लाए और ये कपड़े वाले हैं, झाड़ी इतनी हुआ है इसमें पूरा पानी चलेगा अंदर, पूरा गीला हो गया है, पता नहीं कहाँ पहुँच गया यार बस चले जा रहे हैं। ये इधर कहीं दिखा रहा है गेट टू स्काई, मुझे लग रहा है स्वर्ग लोग पहुँचने वाले, स्वर्ग लोग पहुँचने वाले सही में। बट ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है, यहाँ पे पीछे तक घास घास था, इधर पत्थर ही पत्थर है, देखो मस्त दिख रहा। हमें चलते जाते दो तीन तीन चार घंटे हो गए, 12 बजे से चल रहे हैं हम। चल चल चल, हमें लगा हम खो गए हैं बट फाइनली हमें एक रास्ता मिल गया है, तो शायद से हम पहुंच जाएं टाइम पे, पर अभी हमको भागना पड़ेगा। हमारी फट गई थी देखो। रास्ता देखो, छाता बंद कर ले, आराम से निकलेगा। ये हम हैरी पॉटर के मेज में आ चुके हैं, ऊपर से नजर मारे ये यहीं तक है, ज्यादा आगे नहीं, ये जो झाड़ है ना। गेट टू स्काई स्काई में आ चुके हम, वाट लग गई है, हालत खराब हो गई मेरी दूसरी टी शर्ट इतनी गीली हो गई थी पसीने से, अच्छा मैं एक और लाया था और ये पानी से गीली हो गई, इतनी झाड़ से आए हम। तो फाइनली बहुत मशक्कतों के बाद कुछ दिखा, कुछ उम्मीद दिखी, मतलब 6-7 बार से ज्यादा टाइम में ऐसा लगा हम खो गए। अब रोड दिखी, रोड आई कुछ तो हो जाएगा, ये मैं आ रखा हूँ, ये रोड तो मुझे याद है, बट यहाँ से कभी इधर से आया हूँ, इधर से बहुत गंदा रास्ता है दोस्तों, कभी आओगे सामान लेके आना अपने पास, और आना सुबह आना ताकि टाइम हो। हमारी हालत बुरी हो गई है गाइस, फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे एक दुकान मिली है, यहाँ पे कुछ खा रहे हैं, इतने बुरे हाल हो गए, कपड़े निकाल दिए, पूरे कपड़े गीले हो गए हैं, यहाँ इसको निचोड़ना पड़ेगा अभी, बारिश से गीले हो गए। ये हम खा रहे हैं कप नूडल चिकन और सियू माई, हांगकॉन्ग में बहुत चलती है, इसके अंदर फिश होती ज़्यादातर, और यहाँ पे अच्छा व्यू, और एक आदमी गाड़ी वो रही, वो कार वहाँ पे उसके उसमें आए हम ऊपर से, वो आदमी ने बचा लिया हमें, तो उस गाड़ी में आए हम, नहीं तो अभी तक हम रास्ते में ही होते। गाइस फाइनली हम यहाँ तक पहुँचे, हमने जहाँ पे अभी कुछ खाया था उसके बाद, वो आदमी तो अपना वो भी खा रहा था, उसको भूख लग गई थी, तो उसने कहा कि अगर थोड़ी देर रुक सकते हो तो फिर मेरे साथ चलना, पर हमने कहा हम चलते हैं, तो खा फिर थोड़ा और पैदल चले, फिर अभी टैक्सी ली हमने, अब डायरेक्टली अब हमने टैक्सी ली यहाँ से घर तक, क्योंकि अब रोड ही रोड है, तो अब सीधा घर पहुँचेंगे। बुरे हाल हो गए भाई बीचों तारे पड़ गई थी सही में, हमें लगा गए फंस गए, आज रेस्क्यू वाले बुलाने पड़ते हैं यार, लेकिन कोई नहीं, फाइनली पहुँच गए हम। और वो आदमी बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने उसे बताया तो बोलता नहीं ऐसा नहीं है कि मैं तो आता रहता उस रास्ते, बट आज डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि सिर्फ हम दो थे उस रास्ते पर, कोई नहीं था, और एकदम इतना घना टाइप का घास घूस, खैर याद रहेगा ये दिन। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।